नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री गणेश, जय श्री राम। फ्रेंड्स, नेन बेगम बजार को चेसना मन भय्याक गणेश प्रति संवत्सरं चाला ग्रांड गा अयिते वीळ्ळु सेलिब्रेट चेस्तारु। कंप्लीट हैदराबाद ला दि मोस्ट फेमस पैलवान गणेश। सो वीळ्ळ असोसिएशन पेरु वच्चेसि कन्नैया पैलवान गणेश उत्सव समिति। कंप्लीट टीम उन्नदन्नमाट अंड इक्कड चूसुकोवच्चु वन आफ् दि टालेस्ट अंड मोस्ट फेमस पैलवान गणेश आफ् कंप्लीट भाग्यनगर अंड सुमार 22 फीट हाइट उंटदि। कंप्लीट टीम अयिते इक्कड उंदन्नमाट। अन्ना सबको राम राम, जय बोलो गणेश महाराज के, जय बोलो भैया का गणेश महाराज के, जय श्री राम, जय बजरंग बली। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वच्चेसि नेनु भय वाळ्ळतो मात्लाडता असलु वील असोसिएशन एप्पुडु स्टार्ट अयिंदि, पेरु एट्ल वच्चिंदि, एप्पुडु वर्क स्टार्ट अयिंदि, ईसारि स्पेशालिटी एंदि अन्नी तेलुसुकुंदाम। ई व्लाग अयिते लास्ट चूडंडि। थैंक यू गाइस। नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री गणेश, जय श्री राम। अंदर की विनायक चवती शुभाकांक्षलु। फर्स्ट व्लॉग फ्रम बेगम बजार। इपड़ैते नेनु भय्याक गणेश गारु उन्नानु, चूस्तुर्रु कदा, मोस्ट फेमस पैलवान गणेश आफ् भाग्यनगर। सो लास्ट इयर कूडा भय्या वाळ्ळु नन्नु इनवैट चेसुंडे चाला मंचिगा रिसीव चेसुकुन्नारु। प्यार मोहब्बत अयिते एक्कुव उंटदन्नमाट भय्या वाळ्ळ दग्गर, अंदुके भय्याक गणेश अनि पेरु कूडा पेट्टारु। भय्या सबको राम राम, जय श्री राम। भय्या आप सबको विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो बोलो अन्ना, कैसा चल रहा है इस बार आपका काम, कब चालू हुआ है और कौन आया इधर काम करने के लिए? हमारा काम शुरू हुआ था एक महीना पहले। ओके। ये जो त्रिमूर्ति अर्चना घटके सर, यस, वो लोगों की पूरी टीम वर्क करके हमारा गणपति कंप्लीट करे सर। ओके, लगभग एक महीना लगा है। लगभग एक महीना हुआ काम कंप्लीट। ठीक है, तो भैया अब तक कितना साल हो गया अपना पप्पा लगाते हुए? 14 ईयर। स्टार्टिंग से भी पहलवान गणेश? स्टार्टिंग 2010 से अब तक हमारा पहलवान गणेश रहता। ओके, एवरी ईयर। कौन चालू करे अन्ना? ये हम खुद चालू करे थे। ओके, 2010 में। कितने लोग है ना टोटल जब आप चालू करे थे? जब हम चालू करे थे तो लगभग 8 या 10 मेंबर्स थे। अब तो पापा की कृपा से बहुत बड़ा फैमिली बन गया हमारा। कितने लोग है ना लगभग? 60-70 मेंबर्स है। 70 मेंबर्स पूरे अपने बेगम बाजार से? बेगम बाजार से छे। पूरे अपने कम्युनिटी से? पूरे अपने कम्युनिटी से। okay. पूरे बेगम बाजार वाले छे। ओके, और ना एक्चुअली पूरा इंडिया में देखे तो नॉर्मली मुंबई फेमस है, मुंबई, फिर उसके बाद हैदराबाद है, फिर बाद में आंध्रा में, रायपुर में, उधर भी लगाते हैं, बट जो पहलवान का गणेश है ना वो अपना हैदराबाद का खास है। तो आपको ये सोच कैसा है पहलवान का गणेश लगाना बोल के? ये एक्चुअली हमारे एंसिस्टर से चले आ रहा ना ये। okay. वो लोग पहले 1970 to 1980 तक वो लोग बिठाते थे। okay. फिर बाद में वो लोग डिस्कंटिन्यू कर दिए थे। mm-hmm. फिर बाद में हम लोग 2010 में स्टार्ट करे। okay. उन लोग दंगल? हाँ, दंगल में थे, पहलवान थे, पहलवान थे वो लोग ऑलरेडी। okay. आप पूरे खानदान पहलवान है ना? आप भी करते दंगल? हम भी करते थे, अब हम भी स्टॉप कर दिए। Okay. हमारे नाना का पूरा खानदान पहलवानों का खानदान है। ओके, okay. ये पहलवान गणेश का नाम कैसे आया और पहलवान गणेश क्यों लगाते? भैया बोल रहे कि हमारे परदादा भी लगाते थे। पर नाना, पर नाना, नाना मम्मी के फादर, वो लोग पूरे पांच भाई थे, पांचों भाई पहलवान थे। ओके, ऑल ओवर हैदराबाद में लोग पांच पांडवों के नाम से जानते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। और भैया और एक चीज है, पहलवान गणेश जो हाइट है ना, हाइट आप नाप के करवाते है ना? पूरा नाप के मेजरमेंट लेके। ओके, पूरा कट टू कट काम करवाते हैं ना, क्योंकि मेट्रो, मेट्रो का जो फ्लाईओवर है वहाँ पे से लास्ट 26 फीट, इंक्लूडिंग टस्कर, इंक्लूडिंग टस्कर। हाँ, तो वो पापा का हाइट कितना है भाई? अपना पापा का हाइट लगभग 21 के आसपास रहता है ना, 22 लास्ट। तो इस बार ये स्केच आपका सोचता नहीं तो किसी डिजाइन लिए थे? ये हमारे पूरे मंडली वालों का सोचता है, मंडली वालों का। हाँ, ओके। तो भैया कौन सा टाइम में रिवील हुआ अपना पापा? 7:30 to 8 के बीच में रिवील हुआ ना। ओके, मेरे को ये लग रहा है कि कंप्लीट बेगम बाजार में आई थिंक आपका फर्स्ट बप्पा है जो रिवील हुआ है जी। ओके, तो आपको कैसे लग रहा है? देखो फीलिंग वेरी हैप्पी अन्ना, ठीक है, 2000 फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। या देखो भैया, 2010 में जब आपने इधर बप्पा लगाया था उस टाइम में कितना हाइट था? जब तो 26 फीट हाइट था ना, क्यों बोलते, जब फ्लाईओवर नहीं था उधर। ओके ओके ओके, तो फ्लाईओवर नहीं था, आपने स्टार्टिंग ही। हाँ, ओके, स्टार्टिंग से बड़े लेवल पे गए ना, तो स्टार्टिंग में आपने ब्लास्टिंग कर दिया। क्या बात है, तो अभी वो फ्लाईओवर की वजह से हाइट कम करे। ओके, तो पूरा सेटअप किसका प्लान है भाई, एट्रास और कोल्ड फायर? ये पूरे हमारे फ्रेंड सर्कल, पूरे मंडली वाले जितने भी है, मंडप वाले पूरे मिलजुल के काम करते हैं। ओके, तो अगले 10 दिन में क्या क्या चलेगा भैया कार्यक्रम? अगले 10 दिन में वही प्रसादम रहेगा, कल्चरल प्रोग्राम्स है वो भी होंगे, भंडारा रहेगा। एक चीज मेरे को अच्छा लगता भैया, अपना बेगम बाजार आए तो भरपेट खा के जा सकते। हाँ, वो तो है ना, कहीं भी जाओ तो पूरे बेगम बाजार में पूरा सब वैरायटी मिलेगा, सब मिलेगा। और सब लोग वेट करते हैं कि गणेश चतुर्थी बोलता है फर्स्ट बेगम बाजार का गणेश, और बेगम बाजार के गणेश में आपका पहलवान गणेश भी बहुत नाम आ गया भैया, अभी बहुत ट्रेंड हो रहा है कंप्लीट इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में भी। या तो आपको कैसे लग रहा है भैया? देखो 2010 से अब तक बहुत टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गया, और जो फिनिशिंग भी है ना वो भी चेंज होता हुआ स्मूथ है,
ऐसा है। तो ये कलरिंग का भी आपका ही कॉन्सेप्ट है? जैसे ये पूरा त्रिमूर्ति आर्ट्स वालों का कॉन्सेप्ट है ना। ओके, ये जितना भी पापा का आइडल बना पूरा उनका ही काम है। ओके, और राक्षस जी का भी जो आउटपुट है ना बहुत अच्छा है ना। और ना ये जो फूल है ये भी अपने स्पेशल बनवाया है क्या? हाँ, ये ऑर्डर पे बनाए हुए है ना, जो गले में माला है ना। ओके, ये गणपति गुलाब का फूल है ना, ये गणपति का। और ये पिंक वाला ऑर्डर पे बनाए हुए है वो पिंक क्रॉस। कहाँ से आया? ऑर्डर करके मंगाए हुए है ना। हाँ। ओके। और भैया और क्या क्या प्रोग्राम्स रहेगा भंडारा के अलावा? भंडारा कल्चरल प्रोग्राम्स भी रहेंगे ना, प्रसादम भी रहेगा। ओके, और निमर्जनम में तो मजा आ जाएगा। निमर्जन कौन सा टाइम में निकलता ना पापा? 12-12:30 के बीच में निकल जाते हैं दोपहर में। ओके, तो यहाँ से ही जाम? यहाँ से जाम। ओके, और विसर्जन करते तक कितना टाइम हो जाएगा? 9-10 नाइट। और भैया कोई बात करना चाहता है बोलिए। भैया आपको कैसा लग रहा है? సార్ ఇది వచ్చేసి మన భయ్య వాళ్ళు అంటే ఇది పేరు వచ్చేసి భయ్యాక గణేష్ అంటే అందరు పిల్లలు వచ్చేసి భయ్య భయ అని చెప్తారు. భయ్య భయ అని చెప్పగానే అంటే భయ్యాక గణేష్ అని పేరు. గణపతి మన అన్న వాళ్ళ గణపతి, భయ్య వాళ్ళ గణపతి. ఓకే ఓకే, ఈ ఏరియా మొత్తం భయ్య వాళ్ళ అంటే భయ్య వాళ్ళ గణపతి. ఇది ఏం లైన్ అన్న? ఇది బేదర్వాడి లైన్ అన్న. బేదర్వాడి బేగం బజార్, బేదర్వాడి లైన్. ఓకే, సో బేగం బజార్ లో బేదర్వాడి రోడ్ లో రోడ్ లో ఉంది. ఓకే, భయ్యా కదా. మరి దర్శనం టైమింగ్ ఎట్లా ఉంటది ఇక్కడ? దర్శనం టైమింగ్ వచ్చేసి ఈవినింగ్ మనకు 6 నుంచి రాత్రి 2-3 వరకు కూడా వస్తారు. లింగంపల్లి, పటంచేరు డిస్టిక్ నుంచి కూడా వస్తారు. ఓకే ఓకే, మనకు రాత్రి వచ్చేసి 4 అయిపోతుంది అనుకోండి. ఓకే ఓకే. ఓర్ భయ్యా మేరకోతో ఏక్ చీజ్ వో తో గ్యారెంటీ హై आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कितने लोग आके फोटोस ले रहे, वीडियोस लगता ना अच्छा लगता है ये बात। अंदर से वो जो खुशी आता है ना होता है वो नेक्स्ट लेवल है, प्राइसलेस है। सही बोले तुम। तो अभी नेक्स्ट जनरेशन भी आ गया ना, अपने बच्चे भी आ गए इसमें? नहीं ना, अभी तो ये तो पूरे साथ वाले छे समझो। ओके, अपने नेक्स्ट जनरेशन अभी। ओके, तो लास्ट टाइम भी आपने फेस्टिवल के दिन ही रिवील किया, इस बार थोड़ा ग्रैंड करे आपने? ग्रैंड करे। तो भैया देखो अपना जो हिंदू समाज है बहुत बड़ा है, अभी थोड़ा बटा हुआ है उसको एक होना जरूरी है। रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, तो अपने हिंदू भाई लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? हिंदू भाई लोग हमेशा मिलजुल के रहना है ना, मेन इम्पोर्टेंट। हमेशा यूनिटी में रहना जरूरी है। यस सर, बस वही बोलना है। और जैसा अपना भैया का गणेश पहलवान के जैसा है, सब लोग पहलवान के जैसा रहना बोल के है। सब लोग हार्ड एक्सरसाइज करना जरूरी है। यस सर, फिट रहने के लिए। और आपके बेगम बाजार में ही दंगल कर सकते, कहीं पर भी नहीं है तालीम? नहीं है, है ना? नहीं नहीं, ऐसा तो बहुत है। नहीं नहीं, जैसे सिकंदराबाद एरिया में तालीम नहीं है ना, आपके तरफ में ही तालीम है? ओल्ड सिटी साइड में ज्यादा है, आप बोल सकते हैं बात, ओल्ड सिटी साइड में ज्यादा है। यस यस यस। और भैया आप बोलिए, फाइनली आपको कैसा लग रहा है? सब ठीक है ना? सब बढ़िया। हमारे एरिया में भी तालीम है। ओके, हमारे नाना के पिताजी के नाम से तालीम है। ओके ओके, उदारा मुस्ताद व्यायामशाला। ओके ओके, एक 72-76 के दौर में उनके पास आंध्र केसरी 4 टाइम्स थी। वाओ, उनके खुद के लड़के के पास। ओके, फिर उनके भतीजे के पास भी 3 टाइम्स आंध्र केसरी थी। ओके, अभी कोई है इधर एक्टिव जो रेसलिंग में है? है, उन्होंने भी कर रहे हैं ना। ओके, बच्चे कर रहे हैं? छोटे बच्चे कर रहे हैं। क्या बात है, ऑल द बेस्ट छोटू। और अन्ना చెప్పండి మీకు ఎట్లా అనిపిస్తున్నది, అండ్ ఈసారి ఏంది స్పెషాలిటీ? మళ్ళా ఈసారి ఏంది స్పెషాలిటీ అంటే ఒక ఉత్సాహం పెరిగింది ప్రతిసారి కన్నా. ఇప్పుడు ఈసారి ఏంటంటే పిల్లల్లో ఒక జోష్ ఉంటుంది కదా, పెరిగింది ప్రతిసారి, ఇంకా పెరుగుతా వెళ్తారు, పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు. ఒక దేవుని ఒక ఆశీర్వాదం అంటారు కదా, ఆశీర్వాదం ఒక కలగాలని ఒక ఎక్కువ ఉత్సాహంతో ముందుకు నడుస్తుంది. సో థ్యాంక్స్ అలాట్ అన్న, మీరు కూడా నాకు స్పెషల్గా ఇన్వైట్ చేసిర్రు. సో ఫ్రెండ్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో భయ్యాక గణేష్ లొకేషన్ మెన్షన్ చేస్తాను, వీళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తాను. సో తప్పకుండా మీరందరూ భయ్యాక గణేష్ పేజ్ అయితే ఫాలో చేయండి. చాలా మంది ఇన్స్టాగ్రామర్స్, యూట్యూబర్స్ కూడా కొలాబరేట్ చేస్తారు భయ్య వాళ్ళతో. మనం అందరం భయ్య వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేద్దాం. మనం సపోర్ట్ చేస్తేనే ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు ఇంకా కొత్తదనం తీసుకొస్తారు, ఎందుకంటే ఇది చిన్న సెటప్ కాదు, ఇది కూడా ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టే అనమాట. చాలా తక్కువ స్పేస్లో ఇంత పెద్ద విగ్రహం పెట్టాలంటే నాట్ ఎ జోక్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న, మీరు బహుత్ అచ్చా లగా. థ్యాంక్స్ అలాట్ అన్న. సో విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, భయ్యాక గణేష్ రీల్స్ కూడా నేను పెడతా. అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అందరికి. జై శ్రీ గణేష. జబల గణేష్ మహారాజ్ కి, గణపతి బప్ప మంగళ మూర్తి, జై బజరంగ్ బలి, జై శ్రీరామ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ అన్న. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.